पाकिस्तान में एक मरतबा फिर अमरीकी डॉलर की कीमतों में आज फिर से इजाफा। व्यूअर्स आपको बताएं, इंटरबैंक या ओपन मार्केटों में एक मरतबा फिर पाकिस्तान रुपया कमजोर हुआ, क्योंकि पाकिस्तान में एक मरतबा फिर अमरीकी डॉलर की कीमतों में आज पाकिस्तान में इजाफा हुआ। क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान में अमरीकी डॉलर की कीमतें 240 होने वाली है, आज की इस वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा। इसलिए आपसे गुजारिश होगी वीडियो को आप दोस्तों ने पूरा देखना है, लेकिन वीडियो के बकायदा आगाज पे आपसे छोटी सी गुजारिश होगी वीडियो को लाइक कीजिए। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश होगी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाना हरगिज मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम आप सभी दोस्तों को मेरे यूट्यूब चैनल HTV न्यूज़ पर। आपको बताएं कि मुल्क में अमरीकी डॉलर की कीमतों में आज भी इजाफे का सिलसिला जारी रहा है। और आपको बताएं, इंटरबैंक में आज अमरीकी डॉलर की कीमतों में मजीद 23 पैसे का इजाफा हुआ। आपको बताएं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानब से जारी करदा अदादोशुमार के मुताबिक कारोबार के अख्ताम पर, यानी दोस्तों अभी तक अमरीकी डॉलर की कीमतों में इंटरबैंक में 23 पैसे का इजाफा देखने को मिला। आपको बताएं कि इंटरबैंक में 23 पैसे के इजाफे के साथ अभी तक डॉलर की कीमत 224.94 रुपये की सतह पर ट्रेड हो रही है। आपको ये भी बता दें कि कल जो पिछला दिन गुजर चुका है, इंटरबैंक मार्केट में कारोबार के अख्ताम पर कोई तब्दीली कोई रद्द बदल देखने को नहीं मिला था, बल्कि दोस्तों इंटरबैंक में डॉलर की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया था। अगर दोस्तों बात करें इंटरबैंक के अलावा ओपन करेंसी मार्केटों की, आपको बताएं कि ओपन करेंसी मार्केटों में अभी तक कोई तब्दीली कोई रद्दोबदल देखने को नहीं मिला, वही पुरानी कीमत 234 रुपये की सतह पे बरकरार है। आपको ये भी बता दें कि अगर इससे पहले दिन की बात करें, यानी दोस्तों एक दो दिन पहले की बात करें, तो ओपन करेंसी मार्केटों में एक ही दिन में पूरे 55 पैसे का इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया था। आपको बता दें कि IMF की जानिब से अगर हमें मुस्बत इशारा नहीं मिलता, अगर हमारे मुज़ाकरात नहीं होते, तो पाकिस्तान में अमरीकी डॉलर की कीमतें मजीद सर उठा सकती है। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, हम मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।